देखिए, आज देश की कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो किस रूप में काम कर रही है आप देश के सामने छुपा नहीं। जब जब इनको अपने ऊपर कोई राजनीतिक खतरा मंडराता हुआ दिखता है तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, इनका को भाजन सदैव बनता रहा। आज स्टैंड स्वामी आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को और उनके लिए लगातार काम करते रहे हैं। आज मुझे लगता है कि 80 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है और इस तरीके से चीजों को सरकार के द्वारा संज्ञान लेना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है, सभी चीजें में कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा जरूर रहता है। आने वाला समय में वो भी दिखेगा।